हेलो गाइस वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ सप्लीमेंट्री से द नेकलेस के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तो देखिए यहाँ पर हम चैप्टर की समरी को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अगर आपने चैप्टर की समरी को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप चैप्टर की समरी को रीड कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन है यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन है फोर मार्क्स के लिए आते हैं व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज मैडम लोइजल लोइल किस तरह की, की इंसान थी वाई इज़ शी ऑलवेज अनहैप्पी और वो हमेशा नाखुश क्यों रहती थी मैडम लॉयजल इज़ ए प्रीटी यंग वुमैन तो मिसिज लॉइजल जो थी वो काफ़ी सुंदर और एक यंग वुमैन थी सी इज़ ऑलवेज डिससेटिस्फाइड विद हर लाइफ और अपने जीवन से वो हमेशा संतुष्ट रहती थी सी वॉज मैरिड विद ए क्लर्क उसकी शादी एक क्लर्क से हुई थी सी गेव मच इम्पोर्टेंस टू हर ड्रीम्स एंड सी ऑलवेज ओवर लुक्ड द रियलिटीज ऑफ लाइफ तो देखिए वो हमेशा अपने सपनों को इम्पोर्टेंस देती थी और वो जो सच्चाई थी ना जीवन की उसे वो नज़रअंदाज करती थी व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज़ हर हस्बैंड उसके हस्बैंड किस तरह के इंसान थे हर हस्बैंड इज़ वेरी सिंपल मैन वो बहुत ही साधारण इंसान थे ही लव्स हिज़ वाइफ हुल हार्टली तो देखिए वो अपनी पत्नी को बहुत अधिक प्यार करते थे ही इज़ अ वेरी केयरिंग हस्बैंड वो काफ़ी केयरिंग हस्बैंड थे नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट फ्रेश प्रॉब्लम डू डिस्टर्ब्स मैडम लोयजल तो मैडम लोयजल को एक नई प्रॉब्लम क्या थी जो डिस्टर्ब करती है नाउ द फ्रेश प्रॉब्लम डिस्टर्ब्स मैडम लोजल इट इज़ दैट एम लोइजल डज नॉट हैव अ गुड एंड प्रॉपर ड्रेस फॉर द पार्टी तो देखिए उसे पार्टी में जाना था और पार्टी में जाने के लिए उसके पास प्रॉपर और गुड यानी कि एक अच्छी और सही ड्रेस नहीं थी ऐसा उसका मानना था कि उसके पास एक अच्छी और सही ड्रेस नहीं थी यही उसके सामने एक नई प्रॉब्लम थी हाउ इज़ द प्रॉब्लम सोल्व और प्रॉब्लम सोल्व कैसी होती है द प्रॉब्लम इज सॉल्व वैन हर हसबैंड गिव हर फोर हंड्रेड फ्रेंक्स दिस सम वॉज फोर टू बाई अ न्यू ड्रेस तो देखिए ये प्रॉब्लम तब सोल्व होती है जब उसके हस्बैंड उसे फोर हंड्रेड फ्रेंक्स देते हैं नई ड्रेस खरीदने के लिए वाट डू मिस्टर एंड मिसिज लॉइजर डू नेक्स्ट फिर वो आगे क्या करते हैं मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल डिसाइड टू बोरो अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर हर फ्रेंड तो देखिए मिस्टर और मिसेस लॉयजल क्या डिसाइड करते हैं आगे कि वो एक डायमंड नेकलेस अपनी फ्रेंड से उधार ले लेंगी हाउ टू दे रिप्लेस द रिप्लेस द नेकलेस तो नेकलेस को वो किस तरह से रिप्लेस करते हैं स्टोरी में क्या है कि वो जो उन्होंने उधार नेकलेस लिया था वो खो जाता है तो किस तरह से उसको लौटाते हैं बोथ ऑफ डैम वर्क हार्ड टू रिटर्न द लोस्ट नेकलेस तो जो खोया हुआ नेकलेस था उसे लौटाने के लिए उन्हें बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है दोट मनी एंड इवन यूज द मनी लेफ्ट बाई मिस्टर लॉयजल फादर तो देखिए कुछ पैसा उन्हें उधार लेना पड़ता है और जो मिस्टर लॉयजल के पिता उनके लिए कुछ पैसा छोड़ कर गए थे उसको वो यूज़ करते हैं दी बोट नेकल्स फोर थर्टी सिक्स थाउजेंड फ्रैंक्स एंड गेव बैक टू मिसेस फॉरेस्टियर तो देखिए वो क्या करते हैं थर्टी सिक्स थाउजेंड फ्रैंक्स में एक नया नेकलेस खरीदते हैं और मिसेस फॉरेस्टियर को वापस लौटा देते हैं वाट काइंड मिस्टर एंड मिसिज लॉयजल डू वाट डिड मिस्टर एंड मिसिज लॉयजल डू वैन द नेकलेस वॉज लॉस्ट तो देखिए जब नेकलेस खो जाता है तो मिस्टर एंड मिसेज लॉयजल क्या करते हैं मटिल्डा लोस्ट तो देखिए यहाँ पर मिसिज लॉयजल का नाम क्या है मटिल्डा है मटिल्डा लोस द डायमंड नेकलेस एट द बॉल बॉल कहा गया है फंक्शन को तो फंक्शन में जो मटिल्डा होती है वो डायमंड नेकलेस को खो देती है वैन द नेकलेस कुड नॉट बी फाउंड जब नेकलेस नहीं मिलता है हर हस्बैंड डिसाइडेड दैट दे मस्ट रिप्लेस द नेकलेस तो उसके पति निश्चय करते हैं कि उन्हें नेकलेस वापस लौटाना चाहिए लौटाना पड़ेगा ही बोरोड एटीन थाउजेंड फ्रैंक्स फ्राम द इंश्योर तो वो क्या करते हैं एटीन थाउजेंड फ्रैंक्स तो उनके पास थे और एटीन थाउजेंड फ्रैंक्स वो जो हैं इंश्योर से यानी कि उधार देने वालों से ले लेते हैं वार डेड लॉयजल डू टू सर्च द नेकलेस तो जो लॉयजल थे वो क्या करते हैं नेकलेस को सर्च करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो दे लुकड़ द इन द फोल्ट ऑफ द क्लोथ तो जो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे सबसे पहले उनकी फॉल्ट्स में देखते हैं दे कुड नॉट रीच द कैब बिकॉज दे हैड नो नंबर ऑफ़ द कैब वो कैब तक कैब कहा गया है जिस गाड़ी से वो आए थे उस तक तो वो पहुंच नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास नंबर ही नहीं था देन लोइजल वेंट ओवर द ट्रैक दे हैड रोड टू सी इफ़ ही कुड फाइंड इट फिर मिस्टर लॉयजल क्या करते हैं उसी रास्ते पर जाते हैं जिस पर वो पैदल चलकर आ रहे थे ये देखने के लिए कि क्या वो उसे मिल सकता है वार डिड फोर्स लॉयजल टू लिव लाइक ए ऑर्डनरी मिडल क्लास होम वाइफ तो देखिए क्या चीज़ ऐसी होती है कि मिसिज लॉयजल जो है मजबूर हो जाती हैं एक ऑर्डनरी मिडल क्लास होम वाइफ का जीवन जीने के लिए तो देखिए वंस लॉयजल हैज़ टू गो टू द ए फैंसी बॉल एक बार क्या होता है मिसेस लॉइजल जो होती हैं एक फैंसी यानी कि बहुत ही भव्य फंक्शन में जाती हैं सी बोराज आर स्प्रिंकलिंग डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड और अपनी फ्रेंड से वो एक डायमंड का नेकलेस उधार ले लेती हैं बट इट हैज़ बीन लोस लेकिन वो खो जाता है सो सी हैज़ टू लिव लाइक ए ऑर्डनरी मिडल क्लास होम वाइफ टू पे ऑफ लोन ऑफ द नेकलेस तो देखिए उन्हें मजबूरन एक मिडिल क्लास होम वाइफ का जीवन जीना पड़ता है क्योंकि उन्हें वो लोन चुकाना था जिससे उन्होंने वो नेकलेस खरीदा था वाट वाज कोज ऑफ़ मटेलडाज रोइन तो देखिए बर्बादी का मटेल्डा के बर्बादी का कारण क्या था द कोज ऑफ मटेलडाज रोइन वाज हर बींग ओवर एम्बीशियस एंड फैशिनेशन फॉर ज्वेलरी तो देखिए सबसे ज्यादा बड़ा उनका बर्बादी का कारण ये था कि वो बहुत ही महत्वाकांक्षी थी और वो जो है बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाती थी ज्वेलरी की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड मटिल्डा थ्रो इन्विटेशन तो मटिल्डा ने वो जो निमंत्रण पत्र मिला था उसे क्यों फेंक दिया था सी डिड नॉट हैव ए सुटेबल ड्रेस फॉर द ओकेज़न अब उस पार्टी में जाने के लिए उसके पास सुटेबल ड्रेस नहीं थी सो ही थ्रू द इनविटेशन इसलिए उसने गुस्से में वो इनविटेशन कार्ड फेंक दिया था वाई डिड मटिल्डा नॉट वॉन्ट टू गो टू द पार्टी पार्टी में क्यों नहीं जाना चाहती थी मटिल्डा मटिल्डा एंड हर हस्बैंड वर इन्वाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी तो एक बहुत ही भव्य पार्टी के लिए उन्हें इन्वाइट किया गया था बट मटिल्डा डिड नॉट हैव अ ड्रेस लेकिन मटिल्डा के पास एक अच्छी ड्रेस नहीं थी इस ओकेज़न के लिए सो सी डिसाइड सो सी डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू द पार्टी, इसलिए वो पार्टी में नहीं जाना चाहती थी हाउ डिड एम लोजल इंजॉय हर सेल्फ एट द पार्टी किस तरह से जो मैडम लोयजल थी वो पार्टी में इंजॉय करती हैं सी लुकड वेरी प्रिटी इन द पार्टी वो पार्टी में बहुत सुंदर दिखाई देती हैं सी गोट लोस्ट एडमरेशन तो उनकी काफ़ी प्रशंसा होती है बींग वेरी हैप्पी एंड प्लीज सी डांस टू द प्लेजर ऑफर हार्ट तो देखिए काफ़ी खुश होती है वहाँ वहाँ पर बहुत प्रसन्नता से वो डांस करती हैं और उन्हें बहुत खुशी मिलती है वार्ट मैसेज डज द स्टोरी द नेकलेस कन्वे टू अस तो देखिए ये जो स्टोरी है द नेकलेस ये हमें क्या संदेश देती है क्या शिक्षा हमें मिलती है द मैसेज इज दैट वी शुड अवॉइड मेकिंग फॉल्स शो ऑफ रिचनेस तो देखिए हमें मैसेज जाता है कि हमें जो है ये जो फॉल्स शो so है ना रिचनेस का कि हम अमीर हैं ये इन्हें इसे हमें अवॉइड करना चाहिए वी शुड बी कंटेंट कंटेंट विद वाट लाइफ गिव्स अस और हमें उस चीज़ में संतुष्ट रहना चाहिए जो हमें जीवन में मिला है जो हमें हमारे जीवन में दिया है तो देखिए यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चन आंसर होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में तब तक के लिए बाय बाय